क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको मजबूरन करना पड़ा हो? अगर हाँ तो इस वीडियो को देखते रहिए। अगर हम कहें एक मैजिकल मेथड यूज करते ही आप क्या चाहते हैं, सामने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो किसी भी वक्त आपका बात मानने को तैयार हो जाए, तो ये मेथड 94% टाइम वर्क करता है। किसी को इन्फ्लुएंस करने के 3 प्रिंसिपल होते हैं, व्हाट वी से, हु सेज इट, हाउ वी से इट। व्हाट वी से, हम क्या बोलते हैं, ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजर वालों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। एक तरफ हमारे पास शूज के बहुत सारे वैरायटी है और जो कि वाटरप्रूफ है, दूसरे तरफ एक ऐसा जूता है जो प्रीमियम है और ये जूता सिर्फ लिमिटेड टाइम के ऑफर में ही मिल सकता है। क्या आपने भी प्रीमियम शू को चूज किया है? कोई बात नहीं, 61% लोगों ने इसी को चूज किया है। हमें यूनिक और लिमिटेड टाइम ऑफर वाला शू इसलिए अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि इसमें रेयरनेस है, यूनिकनेस है। इस तरह से एडवर्टाइजर्स हमें ये दिखाना चाहते हैं कि ये बिल्कुल ही स्पेशल है। अगर डेली लाइफ में आपको किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करना हो तो आप कौन सा शब्द यूज करेंगे, प्लीज या बिकॉज? क्या आपने भी प्लीज को चुना है? तो आप बिल्कुल ही गलत है। पहले इसे सुन लीजिए, फिर आप बताइएगा कि कौन सही है कौन गलत है। अगर मैं आपसे कहूँ भाई मेरे पास 4,000 रुपया है, सिर्फ 1,000 रुपया का कमी हो रहा है, प्लीज भाई 1,000 अगर जुगाड़ होता है तो दे देना भाई प्लीज, आप अभी डिसाइड कर लीजिए क्या आप देंगे? अगर वही हम बोले दोस्त मेरे पास 4,000 रुपया तो है लेकिन 1,000 रुपया का कमी हो रहा है, तुम दे देगा ना, तो मेरा लाइफ बन जाएगा, क्योंकि अगर हम कल तक फीस जमा नहीं किए ना तो हमको बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं देगा और मेरा पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। इसमें ज्यादा चांसेस है कि आप मुझे 1,000 रुपया दे देंगे क्योंकि मैंने इसमें रीजन दिया है, अगर आप मुझे पैसा नहीं देंगे तो मुझे बोर्ड के एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा और जिसके चलते मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, जबकि प्लीज वाले में ऐसा कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अगर कभी भी आप किसी को कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं या इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो उसे आप बताइए, उसका रीजन दीजिए, भाई वो आपकी मदद करे तो क्यों करे, कुछ तो कारण होना चाहिए ना। Who says it? कौन बोलता है? कुछ समय पहले खबर आया था कि अक्षय कुमार अपने ट्विटर अकाउंट में फौजी का पोस्टर रिलीज किए थे, लेकिन जब थोड़ा जांच पड़ताल हुआ तो पता चला कि अक्षय कुमार झूठ बोल रहे थे, वो पोस्टर नकली था और जो ट्रेलर रिलीज हुआ था फौजी का वो भी पबजी पीसी का ट्रेलर था। ये कहानी सुनाने का मेरा मोटो ये था कि कोई भी आदमी जो कि बहुत ही फेमस है, अगर वो कुछ बोलता है तो हम उस पर जल्दी विश्वास करते हैं, चाहे वो सही बोले या गलत बोले। लेकिन हम तो पॉपुलर नहीं ना है भाई, तो हम पे कैसे लोग विश्वास करेगा, बताते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक ठोको। और ये मान लो कि आप बिजनेसमैन हैं और आप बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में फंस चुके हैं, तो आप इन दोनों में से किसका एडवाइस लेना प्रेफर करेंगे? कौन, ये दाढ़ी वाला का? बिल्कुल ही, क्योंकि जिसके थोबड़े में दाढ़ी होता है वो ज्यादा ऑथोराइज्ड और ट्रस्टेड लगता है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अब ये बताइए इन चारों आइटम में से कौन सा आइटम आपके पास होगा तो आपके फ्रेंड्स आपको ज्यादा वैल्यू देंगे? आपने सेलफोन चुना है ना, 61% लोगों ने यही चुना है, और जो इसे नहीं चुने हैं वो घड़ी को चुने हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें सेलफोन और वॉच से रॉयल्टी, अचीवमेंट और स्टाइलिश होने का सिग्नल मिलता है। आपकी हाइट जितनी भी हो, अगर आप उसमें 2 इंच ऐड कर देंगे तो आप अट्रैक्टिव दिखने लगेंगे। तो अगर आप जब भी शूज और स्लीपर लेंगे तो ध्यान से लीजिएगा जिसमें थोड़ा हील हो। तो कुल मिलाकर ये कंक्लूजन निकलता है, अगर आपके पास हाइट है, अपीयरेंस है और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज का कॉम्बिनेशन है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है आप जो भी चाहते हैं वो आपको पाने में मदद करेगा। हाउ वी से इट, कैसे बोलते हैं? सपोज आप क्लब जाते हैं, वहाँ आपको एक लड़की दिखाई देती है, अब आपको उसे डांस के लिए अप्रोच करना है तो कैसे करेंगे? पूछने से पहले प्यारी सी स्माइल देंगे, आप पूछते समय उसके आर्म को टच करेंगे, पूछने के बाद अपने पलके झपकाएंगे। अगर आप बोलते वक्त उसके आर्म को टच करेंगे तो आपके हाँ सुनने के चांसेस 21% बढ़ जाते हैं, जो कि काफी चौंकाने वाला है। अगर आप किसी को कुछ बोलना चाहते हैं और आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो आपके बोलने की वर्डिंग स्पीड 200 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। यानी कि सपोज कीजिए मैं और आप स्कूल में बैठे हुए हैं और मैं आपसे बोलता हूँ भाई रबड़ देना, तुरंत मिटा के देते हैं, बस 2 वर्ड बचा है, आप तुरंत दे देंगे क्योंकि इसमें मैंने ऐड किया तुरंत मिटा के देंगे। यानी कि आप सोचेंगे कि यार कितना टाइम लगेगा इसको मिटाने में, और ऊपर से मैंने ऐड किया सिर्फ 2 वर्ड बचा हुआ है, यानी कि आप और जल्दी दीजिएगा क्योंकि सिर्फ 2 ही वर्ड तो मिटाना है, यार कितना देरी लगेगा। अगर आप सामने वाले को सच में इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो राइमिंग वर्ड का यूज कीजिए या
कुछ भी बोलिए तो रिदम में बोलिए। आपने गौर किया होगा गाना आसानी से याद हो जाता है, लेकिन दो पैराग्राफ का आंसर याद नहीं होता, बस यही कारण है राइमिंग और रिदम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अभी वीडियो खत्म करते हैं। तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, और जितना मन करता उतना लाइक ठोको, क्योंकि मैं इसी तरह के कंटेंट बनाता हूँ। और अगले वीडियो तक का इंतजार करो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।